महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का परम प्रतीक है। इस बात का संकेत है कि आपकी जीवन ऊर्जा आपके मूलाधार केंद्र से ऊपर उठती हुई विभिन्न चक्रों के माध्यम से जब सहस्रार पर पहुंचती है तो आपकी जीवन ऊर्जा आपकी जीवन शक्ति सहस्रार पर स्थित शिव से मिलती है। उस मूलाधार से ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचने वाली शक्ति जब उसका सहस्रार पर शिव से मिलन होता है उस मिलन की परम अवस्था में परम संभोग की अवस्था उपलब्ध होती है जिसके परिणाम स्वरूप परम आनंद की उपलब्धि होती है। उसी को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने महामुद्रा की संज्ञा दी। व्यक्ति अपनी चेतना के इस महारास को उपलब्ध होता है। इस अवस्था को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने परम संभोग की अवस्था कहा। इसे ही अध्यात्म जगत में महामुद्रा की अवस्था भी कहा। दूसरे शब्दों में हमारी जीवन ऊर्जा एक ही जब मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब वो काम वासना बन जाती है और जब वह मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है तब वो अध्यात्म बन जाती है। जब मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो दूसरों को जन्म देती है, बच्चे पैदा करने का माध्यम। जब मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है और उस ऊर्जा का स्खलन सहस्रार से होता है तब स्वयं को नया जन्म देती है, तब आप द्विज बनते हैं, तब आपको दूसरा जन्म मिलता है, तब आप बुद्धत्व को उपलब्ध, तब आप परम आनंद। जब यही जीवन ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो सुख की बात। जब यही जीवन ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हुई सहस्रार पर शिव से मिलती है शक्ति और शिव का प्रवाहित होता है तब परम सुख की परम आनंद की यह जिसे परमात्मा के अनुभव ऊर्जा तो एक ही है सिर्फ दिशा बदलती है और जब ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो जीवन में परमात्मा को प्रकट कर देती है। और महाशिवरात्रि का पर्व जीवन में शिव और शक्ति के मिलन के माध्यम से परम आनंद के रूप में परमात्मा को उपलब्ध करने का विराट संदेश अपने में लिए हुए है। यह एक अद्भुत महापर्व है और इसका आध्यात्मिक संदेश अध्यात्म के परम शिखर को इंगित करता है जो दुनिया में और कहीं किसी भी धर्म या आध्यात्मिक व्यवस्था में पैदा नहीं हो सका। पहली कौम है हम जिसने शिव और शक्ति के माध्यम से मनुष्य के जीवन के भीतर प्रकट होने वाली इस परम संभावना को अंगीकृत करने का सफल प्रयास किया। थैंक यू।